नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। घग्गर नदी में इस समय ऑटो वियर पर 14,818 क्यूसेक पानी है, जिसकी वजह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी पहले से कम हुआ है। यानी कल जब रविवार को 18,000 क्यूसेक तक पानी चला गया था, इसे हम कह सकते हैं कि सिरसा जिला में घग्गर नदी का खतरा जो बना हुआ था वो टल चुका है, क्योंकि राजस्थान की ओर से 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऑटो हेड से निकलने वाली सभी नहरों में लगभग 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अभी की जो स्थिति है वो गुलाचिका हेड पर 6,160 क्यूसेक पानी है और खनौरी हेड में 5,625 क्यूसेक पानी है। वहीं चांदपुरा में 5,350 क्यूसेक पानी चल रहा है। बताया जा रहा है कि कल जहां रविवार को सिरसा से 12 किलोमीटर दूर ऑटो में 18,500 क्यूसेक तक पानी पहुंच गया था, जो कि घट करके अब 14,000 क्यूसेक ही रह गया है। सिरसा की ओर से गुलाची का चांदपुर है और वह खनौरी हेड से पानी घग्गर नदी के अंदर केवल 6,000 क्यूसेक रह गया है। ऐसे में कल सिरसा जिला में घग्गर नदी में पानी का जलस्तर और घटने की संभावना बताई जा रही है। वहीं ऑटो में 10,000 क्यूसेक पानी तक रह जाएगा। इसी कड़ी में हमने पल पल में विशेष बातचीत के लिए सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता राजेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि सिरसा जिला में बाढ़ का खतरा टल चुका है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग व अन्य अधिकारियों ने तथा जिला प्रशासन के और भी अन्य विभागों के जो अधिकारी थे उनका एक सप्ताह के लिए ड्यूटी लगाई गई थी और निरंतर उन्होंने निगरानी रखी हुई थी, जिस कारण सिरसा जिला के किसानों में जो नदी के बाढ़ का खतरा बना हुआ था वह टला हुआ था, क्योंकि अधिकारियों ने उस पर प्रॉपर लगातार निगरानी बना करके रखी हुई थी। और कल से पानी का जल स्तर जो है, पानी का स्तर है वो नीचे चला जाएगा। उन्होंने इस बात की संभावना भी बताई है कि पीछे बरसात अब नहीं हो रही है, क्योंकि जो बरसात का पानी था वह लगभग निकल चुका है। इसलिए यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बाढ़ का जो खतरा था सिरसा जिला व और अन्य जिलों के ऊपर जहाँ से घग्गर नदी गुजर रही है वो खतरा टल चुका है। आप देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट।